इंडिया में हर साल लाखों केसेस ब्रेस्ट कैंसर के डिटेक्ट होते हैं और इनमें से 90,000 डेथ्स लगभग इंडिया में सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की वजह से होते हैं। तो बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर ऐसा कैंसर है जिसको अगर हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करते हैं, जो स्तन में की गांठ है अगर अर्ली हमारे ख्याल में, जल्द से जल्द ख्याल में आती है, तो इसको हम नो डाउट 100% क्योर कर सकते हैं। तो इसीलिए हर महिला को, जो मैं आज बताने वाली हूँ, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ये पता होनी चाहिए, हर महीने में इसे करनी चाहिए। जिनकी महावारी आ रही है उन महिलाओं को ये एग्जामिनेशन जो स्टेप्स है आपको आईने के सामने या लेट के करनी चाहिए, जो वन बाय वन मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर जिनकी महावारी आ रही है उनको कब करना चाहिए ये भी मैं आगे के वीडियो में बताने वाली हूँ, और जिनका मेनोपॉज आ चुका है यानी कि महावारी रुक चुकी है उन महिलाओं को कब करनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन यानी कि खुद के स्तनों की जांच हमें कब करना चाहिए, यानी महावारी के कौन से दिन करना चाहिए। अगर आपकी महावारी शुरू है यानी कि आपका अगर मेनोपॉज नहीं आया है तो 20 इयर्स के बाद ही, राइट, आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन नो डाउट शुरू कर देना चाहिए, और वो महावारी के 7th डे, महावारी शुरू हो जाने के बाद 7th डे के बाद आप कर सकते हो, या 7th, 8th या 9th डे के बाद, राइट, ये सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आपको करना चाहिए। देन अगर आपका मेनोपॉज आ चुका है, आपकी महावारी रुक चुकी है, अगर आपको 40s में महावारी रुक चुकी है या 45 एज ग्रुप है या 50 एज ग्रुप है, जो भी एज ग्रुप है और आपकी महावारी रुक चुकी है, तो आपको हर महीने की 1 तारीख फिक्स करना है। वो 1 तारीख हो सकती है, 5 तारीख हो सकती है, 10 तारीख या 15 तारीख, कोई भी तारीख को आप कर सकते हैं, बट रेगुलर बेसिस पे करना है। अगर आप 10 तारीख को कर रहे हैं तो अगले महीने में भी 10 तारीख को कीजिए। सो मंथली बेसिस पे उसी वक्त आपका ब्रेस्ट एग्जामिन होना चाहिए, ताकि कुछ भी चीज़ आपसे, छोटी सी छोटी गांठ भी आपसे मिस ना हो। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का प्रोसेस कैसा होता है? तो जिस भी दिन आपने तय किया है कि आपको ये एग्जामिनेशन करना है, आपको मिरर के सामने खड़े रहना है। मिरर के सामने आपको आपके ब्रेस्ट को एक्सपोज करके खड़े रहना है और आपको देखना है उसका साइज, उसका शेप, निप्पल का पोजीशन कैसा है, सेम लेवल पे है दोनों ब्रेस्ट का पोजीशन, या फिर एक निप्पल ऊपर की तरफ मुड़ चुकी है तो भी आपको आपके डॉक्टर को दिखाना है, या निप्पल अंदर की तरफ धस रही है, कोई गांठ या कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है बट निप्पल अंदर की तरफ धस रही है, तो ये आपको मिरर में आपके स्तनों को रेगुलर बेसिस पे देखना है। एक तो पोजीशन है आपके साइड में हाथ रख के, द नेक्स्ट पोजीशन है आपके कमर के ऊपर हाथ रख के, साइड टू साइड आपको मिरर के सामने आपके ब्रेस्ट को देखना है। देन थर्ड पोजीशन है आपको हिप के ऊपर, आपके वेस्ट के ऊपर हाथ रख के आपको सामने की तरफ झुक के मिरर में आपके ब्रेस्ट को देखना है, कहीं लंप तो पॉप आउट नहीं हो रहा है। बहुत से बार ऐसा होता है कि खड़े खड़े या लेटे लेटे कोई चीज़ समझ में नहीं आती, अगर आप साब में झुकते हो तो वो लंप आपको दिखाई दे सकता है। द नेक्स्ट पोजीशन, फोर्थ पोजीशन है, वो है जो आपको आपके स्तनों को मिरर में, आईने में देखना है, वो है हाथ ऊपर करके, राइट, आपको दोनों हाथ ऊपर करना है और दोनों हाथ ऊपर करके आपके ब्रेस्ट को देखना है कि उसका साइज या शेप दोनों साइज सेम है, या किसी महीने में आपको चेंज लग रहा है, या एक साइज बहुत बड़ा लग रहा है। जनरली दो ब्रेस्ट में बहुत से महिलाओं का डिफरेंस होता है, बहुत से महिलाओं का सेम ब्रेस्ट साइज होते हैं बट बहुत से महिलाएं के ब्रेस्ट अनइवन होता है, तो वो अनइवननेस आपको ख्याल में रखना है। अगर उससे ज़्यादा ब्रेस्ट अनइवन लग रहा है, मतलब एक ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा भारी या बड़ा लग रहा है, तो नो डाउट ऐसे केस में भी आपको आपके डॉक्टर को दिखाना है। तो इंस्पेक्शन मतलब कि आपको देख के, 4 पोजिशंस मैंने आपको बताई है, हैंड बाय द साइड, हैंड्स आपके हिप के ऊपर, हिप के ऊपर रखे सामने झुक के आपको आईने में देखना है, और हाथ ऊपर करके, राइट। देन नेक्स्ट स्टेप है पाल्पेशन। पाल्पेशन आपको नहाते वक्त, आप जब बाथरूम में नहाते हो उस वक्त अगर आप आपके ब्रेस्ट को टच करके कुछ गांठ है क्या देखते हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो कैसे करना है आपको, ये 4 फिंगर्स जो है, 3 या 4 फिंगर्स जो है, इसका जो पल्प है, पल्प ऑफ फिंगर है, उससे आपको देखना है कहीं स्तनों में गांठ तो नहीं है, राइट। तो ये आपको सर्क्युलर मोशन में करना है, एक चीज़ कर सकते हैं, या फिर अप डाउन, यहाँ से कॉलर बोन, यहाँ पे जो क्लाविकल हमारा होता है वहाँ से आपको देखते जाना है पैरेलल, राइट। सो हर क्वाड्रेंट में आपको आपकी ब्रेस्ट इंस्पेक्ट करना है टच करके, राइट, कहीं गांठ तो नहीं है। कभी कभी छोटी से छोटी गांठ भी मिस हो सकती है, तो ये नहाते वक्त आप कर सकते हो। देन सेकेंड पोजिशन है आपको लेट के
ये चीज़ देखना होता है आपको, बेड के ऊपर लेटना है, हाथ ऐसा सिर के पीछे रखना है, जो अगर राइट साइड का आप ब्रेस्ट एग्जामिन कर रहे हो तो राइट साइड का हाथ आपके सिर के नीचे रहेगा, कंधे शोल्डर के नीचे आपका पिलो रहेगा, और आप लेफ्ट हैंड से आपका ब्रेस्ट एग्जामिन करोगे विद द हेल्प ऑफ पल्प ऑफ फिंगर, राइट। ऐसे पोक नहीं करना है, ऐसे इस तरीके से आपको आपके ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है। तो लेट के, जब भी आप लेट के एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिनके हेवी ब्रेस्ट है या डेंस ब्रेस्ट टिश्यू है, तो जैसे ही कोई महिला सोती है तो वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं, तो बहुत से बार स्प्रेड आउट होने के बाद जो नीचे की तरफ के लंप है वो भी आसानी से हमें हाथ को फील हो सकते हैं। तो सेकंड पोजीशन है, एक था स्टैंडिंग पोजीशन में, एक तो नॉर्मली भी आप पालपेट कर सकते हैं या फिर नहाते वक्त शॉवर लेते वक्त कर सकते हैं। सेकंड पोजीशन है लेट के। थर्ड पोजीशन है खड़े रह के काख में देखना, राइट। हाथ ऊपर, अगर लेफ्ट साइड का देखना है तो राइट हैंड से आपको ऊपर आप एक्जिला, ये जो आर्मपिट का एरिया होता है, यहाँ से लेके आपको नीचे की तरफ काख में कोई लंप या गांठ तो नहीं नज़र आ रही है, ये चेक करना होता है। सो इस तरीके से देख के और फील करके, पालपेट करके, हम टच करके, हम हमारे, क्योंकि रूटीनली हर महिला की, हर एक महिला हम अपनी ब्रेस्ट को इस तरीके से जांचेगी ज़रूरी नहीं है, और इसीलिए अगर हम इसे रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो जल्द से जल्द छोटी से छोटी 1 सेंटीमीटर की या 2 सेंटीमीटर की भी गांठ आपके जल्द से जल्द नज़र आएगी, और आप आपके डॉक्टर को दिखा के ये कन्फर्म कर ले सकते हैं ये नॉर्मल है या ब्रेस्ट कैंसर की गांठ है।